please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाया नहीं छिपता, वो तो सात तालों को तोड़कर भी सामने आ ही जाता है। कहावत एक और भी है, आपका कल जिंदगी में एक बार आपके सामने आकर जरूर खड़ा हो जाता है। और सच कहें तो इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनका बीता हुआ कल आकर खड़ा हो गया, जो उनके अतीत के उन पन्नों को जाहिर कर रहा है जिसे वो पर्दे में ही छिपा कर रखना चाहते थे। प्लेबॉय मॉडल को मिली जीत, ट्रंप के मामले में मॉडल की जीत। कैरन मैकडूगल की पहली जीत। अपना सच सुनाने की मिली आजादी। I had never been offered money like that before, number one. But number two, I thought, does he think that I'm in this for money? ट्रंप के साथ जुड़ा अपना सच बताने की आजादी। सालों पुराने किस्से को कहानी का नया अंदाज देने की आजादी। I was attracted to him. Yeah, he's a nice-looking man, and you know, I liked his charisma. ये वही प्लेबॉय मॉडल कैरन मैकडूगल है, जिसका नाम सुनते ही अमेरिका का सबसे ताकतवर शख्स लाचार पड़ जाता है। इस मॉडल का नाम सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप को पसीने छूटने लगते हैं। इस मॉडल की वजह से ट्रंप के चेहरे की सुर्खी सफेद हो जाती है। कैरन मैकडूगल की वजह से अब ट्रंप के सामने मुसीबतों का नया सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि अब ये मॉडल उस बंधन से आजाद हो गई है जिसने अभी तक इसके मुंह पर ताला जड़ रखा था। इसे वो आजादी हासिल हो गई है जिसके लिए पिछले कई महीनों से छटपटा रही थी। We talked for a few hours. We had a great time. We were getting to know each other. We're talking about his birthday, and then as the night ended, we were intimate. इसको वो हक मिल गया जिसकी वजह से प्लेबॉय मॉडल के सामने एक बार फिर मीडिया के कैमरे कतार में आकर खड़े हो जाएंगे। ये प्लेबॉय मॉडल कैरन मैकडूगल ने वो लड़ाई जीत ली जिसके तहत अब वो अपनी और ट्रंप की कहानी अपनी जुबानी में जमाने के सामने ला सकेगी। मैकडूगल अब अपनी उस कहानी को सामने लाने के लिए पूरी तरह से आजाद हो चुकी है जिसको लेकर अब तक बस कयास ही लगाए जा रहे थे। कैरन मैकडूगल ने एक टैबलॉइड कंपनी अमेरिकन मीडिया इंक के साथ अपने अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई में आखिरकार जीत हासिल की और उस मुकदमे का निपटारा हो ही गया जिसके तहत कैरन अपने संबंधों के बारे में जुबान खोल सकती है। कैरन ने ट्रंप से अपने संबंधों पर मीडिया में बात करने की मांग को लेकर मुकदमा किया था, क्योंकि अमेरिकन मीडिया इंक से हुए करार की शर्तों के मुताबिक वो इस पर बात नहीं कर सकती थी। Thank you.
पिछले कुछ अरसे से ट्रंप अपनी निजी जीवन के कुछ अतीत के पन्नों को लेकर बेहद सियासी भंवर में फंसते जा रहे हैं। खुलासा यही है कि ट्रंप और मैकडूगल के बीच 12 साल पहले यानी 2006 में ताल्लुकात कायम हुए थे। कैरन ने कहा था कि उन्हें ट्रंप से अफेयर की कहानी के अधिकारों के लिए 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान $1,50,000 दिया गया था, लेकिन वह कहानी कभी जमाने के सामने आ नहीं सकी। मैकडूगल ने अपनी शिकायत में कहा कि ट्रंप की अतीत की अय्याश जिंदगी का खुलासा करने वाली उनकी कहानी को जमाने के सामने लाने के लिए अमेरिकन मीडिया इंक से कई बार गुहार लगाई। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ ये स्टोरी पब्लिश कराने के लिए अमेरिकन मीडिया इंक को कहा था, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश नहीं किया। कैरन मैकडूगल ने आखिरकार वो लड़ाई जीत ली जिसने उनके मुंह पर ताला जड़ दिया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस अमेरिकी मीडिया इंक ने आखिर ये सब किया तो किया क्यों। खुलासा यही है कि इस कंपनी का मालिक डोनाल्ड ट्रंप का पुराना दोस्त है। ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। वो एक प्लेबॉय मॉडल थी। उसके अपने ही रंग थे। ट्रंप से मिलकर शख्सियत की कायल हुई। I think I love, you know, good, great posture. He's got great posture and he was nice. बीता वक्त याद करके निकल आया आंसू। But back in those days, sorry. Okay. उसके पास ट्रंप का निजी नंबर। Gosh, it's been so long, but I think it just showed up as a 212. That's it, just 212. ये मॉडल अब तक खामोश थी क्योंकि करार ने इसके मुंह पर ताला जड़ दिया था। करार उस कंपनी से था जिसका अमेरिका में सिक्का चलता है, जिसकी हैसियत है और मीडिया की दुनिया में उसका अलग रुआब और मुकाम है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि प्लेबॉय की इस मॉडल का अपनी कहानी को लेकर जो करार हुआ था उसकी कीमत थी $1,50,000। और ये करार हुआ था 2016 में अमेरिकी चुनाव से एन पहले, यानी जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के रास्ते पर निकले थे, तो उस अमेरिकी कंपनी ने ट्रंप के रास्ते में आने वाली रुकावटों में से एक बड़ी रुकावट का रास्ता रोक लिया था। American Media Inc. not only owns the National Enquirer, but they also own 6 major fitness magazines, including Men's Fitness, and she was the first woman on the cover of that magazine in 1999. So she thought she was signing a legitimate modeling and writing contract. Now, to be clear, she knew that they were buying her story, and she knew that the National Enquirer was not going to publish it, but she had no idea that she wasn't going to be able to respond to press inquiry. खुलासा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया इंक कंपनी के मालिक का रिश्ता दोस्ती का है। जाहिर है ऐसे वक्त में दोस्त ही काम आते हैं, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिस तरह से ट्रंप चुनाव लड़ने निकले थे, तो इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि उनके अतीत के कुछ पन्ने, खास तौर पर प्लेबॉय मॉडल और पॉर्न स्टार डेनियल के किस्से, उनके रास्ते की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने कुछ ऐसे उपाय किए थे जिनके बारे में बाद में कई किस्से निकलकर सामने आए।
एक खुलासा ये भी है कि ट्रंप के दोस्त और अमेरिकी मीडिया इंक के मालिक ने उन दो बड़ी रुकावटों में से एक को अपने झांसे में फंसा लिया। झांसा ये कि वो करार के तहत प्लेबॉय मॉडल को रोके और उसकी कहानी को उसकी ही जुबान पर ताले में बंद कर दिया जाए। For over a year, they've made her terrified. That, how? So after the New Yorker Ronan Farrow story came out, they said any further disclosures will breach the contract and will lead to significant monetary damages. American Media Inc. अपनी इस चाल में करीब-करीब कामयाब भी रही और Playboy की मॉडल McDougal ने उस करार के बाद कई बार कोशिश की कि उसका और ट्रंप की मुलाकातों का सिलसिला किसी भी तरह जमाने के सामने आ जाए, मगर वो करार के दायरे में बंधी हुई थी, लिहाजा वो मुंह नहीं खोल सकी। इसी बीच ट्रंप की अय्याशियों का एक और पन्ना जमाने के सामने उजागर हुआ डेनियल्स की शक्ल में, जिससे अमेरिकी सियासत में तूफान खड़ा हो गया। तब इस प्लेबॉय मॉडल ने अपने करार को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया और करार के ताले को तोड़ने की गुहार लगाई। ये सब कुछ पिछले दो महीनों के दौरान हुआ। इन दो महीनों की लंबी सुनवाई के दौरान आखिरकार अमेरिकन मीडिया इंक और कैरन McDougal इस रजामंदी पर जा पहुंचे कि अब वो किसी के साथ भी अपने अतीत और ट्रंप के साथ गुजारे अपने लम्हों का किस्सा आसानी से जुबान पर ला सकती है। और आखिरकार McDougal जीत गई और इस जीत ने ट्रंप की पेशानी पर परेशानी की लकीरों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। सच कहा जाए तो हर गुजरते वक्त के साथ ट्रंप की मुसीबतें उन्हें चारों तरफ से घेरती दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी एफबीआई के जिस बड़े अधिकारी को नाकारा समझकर डोनाल्ड ट्रंप ने बर्खास्त करवा दिया था, उसने अपने तजुर्बों को एक किताब की शक्ल दे डाली और उस किताब की इबारत अब ट्रंप के लिए मुश्किलों की इमारत बनने लगी है। इस चेहरे को आप पहचानते हैं? ज्यादातर का जवाब ना में होगा, लेकिन जिन्हें अमेरिका और वहां की सियासत के साथ साथ बंदोबस्त में खासी दिलचस्पी है, उनके लिए ये चेहरा नया नहीं है। ये है कौमी मेमोज। अब जैसे ही हम इनकी हैसियत बताएंगे, आप खुद ब खुद इनकी काबिलियत के बारे में समझ जाएंगे। दरअसल ये उस वक्त अमेरिका की सबसे धुरंधर जांच एजेंसी अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के डायरेक्टर थे, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के चुनाव के रास्ते से गुजर रहे थे और बाद में जीत के रथ पर सवार होकर व्हाइट हाउस तक पहुंचे थे। जाहिर है इनके तारुफ से इनकी काबिलियत के बारे में शायद ही कोई सवाल खड़ा हो, लेकिन अमेरिका के सबसे काबिल लोगों में से एक कौमी मेमोज को पिछले साल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने पद से बर्खास्त कर दिया था। और इस बीते एक साल के दौरान कौमी मेमोज ने अपने तजुर्बों को एक किताब की शक्ल दे डाली। इसी किताब के काले स्याह हर्फों ने एक ऐसी बात पर रोशनी डाली जिसने डोनाल्ड ट्रंप के किरदार पर कीचड़ ही उछाला है। अब सुनिए इन्होंने जिस सच को अल्फाज दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हुकर्स यानी वेश्या चीज बकवास है, लेकिन पुतिन ने उन्हें बताया था कि हमारे पास दुनिया के सबसे खूबसूरत हुकर्स हैं। कौमी की लिखी किताब में राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी मुलाकातों को दोहराते हुए जेम्स कौमी ने बहुत कुछ लिखा। मंजूरी का इंतजार कर रहा एक खामोश माहौल, सभी शक्ति भरा प्रमुख, वफादारी की शपथ, हर बात के बारे में झूठ, पूरी दुनिया एक ओर, हम एक ओर वाला रवैया, संस्थान के उसूल से वफादारी का यकीन दिलाना। नौकरी के शुरू में ऐसा लगता था जैसे मैं किसी भीड़ के खिलाफ वकालत कर रहा हूं।